तो टिकटॉक बनाते हो आप और क्या करते हो? भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। टिकटॉक जिसने बनाई है चाइनीज आदमी है, उसने भी थैंक्स बोला इंडिया को। अच्छा? उसने बोला कि मैंने ये ऐप बनाया था ताकि टाइम पास के लिए, कहता इंडिया में इतने वेले लोग हैं क्या। सो हे दोस्तों, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी हटके होगा दोस्तों। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है YouTube वर्सेस TikTok, TikTok वर्सेस YouTube। वैसे तो मेरा जो चैनल है इस टॉपिक को रिलेट भी नहीं करता है और मेरा जो कैटेगरी है बिल्कुल अलग है दोस्तों। मैं स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन होता है, लीक्स होता है, इसके बारे में बातें करता हूँ। तो मेरा जो चुल मची है ना इस चीज को लेके, मेरे को भी बोलना था कुछ इसके बारे में, जो TikTok वर्सेस YouTube चल रहा है और TikToker जो अपने आप को सोच रहा है कि TikTok बेस्ट है, TikToker बेस्ट है, इसके पास ज्यादा ब्रांड्स है, इसका एंगेजमेंट अच्छा है, तो वगैरह वगैरह, इस चीज को लेके मेरे को भी कुछ बोलना था। और हाली फिलहाली में बस कैडी मिनाडी का वीडियो देखा, बस भाई खुशी आ गई, मोटिवेशन मिल गया कि हाँ मैं भी रोस्टिंग कर सकता हूँ। और खुशी तो बहुत आ गई भाई, हंस के ना पेट दुख रहा था। ये सब कुछ स्टार्ट होता है एल्विस भाई से। एल्विस भाई एक टिकटॉकर को रोस्ट कर देता है, तब मतलब नाजुक हाथों से रोस्ट करता है, इतना कुछ बोला भी नहीं है, मैंने देखा था उस वीडियो को। लेकिन उन लोगों को तो चुल मची थी, उन लोगों को तो लेना था कान पे बम्बू। तो एक आ जाता है, आमिर सिद्दीकी नाम है उसका, IGTV पे एक वीडियो डालता है जिसके अंदर बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत मतलब क्या है, गाली गलौज से नहीं किया है, लेकिन जो भी बोला सब उल्टा सीधा बोला, मतलब बकवास। यही बात करने तुमको एक लाफा मारूंगा क्या? इसकी गांड मार के आता हूं मैं भंजुरू। चाबी का है गाड़ में डाल लियो क्या चाबी साला? कुछ भी जानता नहीं है, लेकिन उसको तो मसीहा बनना था, बक बक करते रहना था, तो फैला दिया रहा था, और जो होना था हो गया। गांड पे बम्बू लेके IGTV से वीडियो डिलीट करके घूम रहा है बस। What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? भाई हम लोग बहुत बढ़िया है, तू बता। इतना बेइज्जती सहने के बाद तू ठीक है ना? तेरा गान ठीक है ना? अभी तक सूच रहा है, मैं जानता हूँ, ठीक है। अब सुन, बाहर मत निकल, ठीक है, पुलिस पीटेगा, और ऑनलाइन भी मत आना तो जनता पीटेगा। भाई घर पे रहो, हकते रहो, जैसे हकते थे टिकटॉक पे वैसे ही हकते रहो। तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। इस लौंडे का फैशन सेंस देखा है, इतना गर्मी में भी जैकेट पहन के बैठा है। और ठीक है तू पहन सकता है क्योंकि तू एक टिकटॉकर है, साथ में चूतिया भी है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन गमछा क्या कर रहा है इस जैकेट के साथ? गाइस सेकंड पॉइंट है CC। CC तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। अब तू सिखाएगा कंटेंट कॉपीराइटिंग, ठीक है, पहले जान, ठीक से जान के ले कि कॉपीराइट होता क्या है, काम कैसे करता है, फिर जाके हम लोगों को बोल, ठीक है। YouTube में ना एक FAR पॉलिसी नाम का चीज होता है जिसमें तुम दूसरों का वीडियो यूज कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, या तो फिर तेरे जैसे चुतियों का वीडियो लेके रोस्ट करना, ठीक है, ये चलता है। और कॉपीराइट के बारे में बात कर रहा है ना, तो जो तेरा टिकटॉक है ना पूरा कॉपीराइट पे ही चलता है। अगर अगर किसी दिन ना करे, भगवान ना करे, T-Series आके ना क्लेम डाल देना, तेरा सब बिजनेस, बोरिया बिस्तर सब बच जाएगा। और पाप को ना चोदना मत सीखा, ठीक है। यूट्यूब का सॉन्ग लेके तुम लोग लिपसिंग करके इस मिलियन में व्यूअर्स लाते हो, मिलियन में लाइक लाते हो, तो वो क्या कॉपीराइट पॉलिसी में नहीं पड़ता है बेटा? जान ले पहले, फिर जाके तो बोल कॉपीराइट कॉपीराइट। CC बहुत जान गया है बक। दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते, तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, आ जा तू YouTube पे, आ जा, चैनल खोल ले, YouTube में वीडियो बना, लेकिन भाई समझ लेना यहाँ पे 15 सेकंड का वीडियो नहीं चलेगा, ये TikTok नहीं है। और तू समझ गया होगा कि यहाँ पे 15 सेकंड का वीडियो नहीं चलता है, इसीलिए तो चैनल बंद कर दिया था फेक वीडियो बना बना के, ठीक है ना? तो फिर से बोल रहा हूँ, आपको छोड़ना मत सीधा। और भाई एक बात, YouTube में ना वीडियो दिखाया नहीं जाता है, YouTube में वीडियो चूज करना पड़ता है, आपको दिखाया जाएगा लेकिन आपको जो पसंद आएगा वही आपको देखना बनता है, मतलब आपका चॉइस होता है। TikTok के जैसे वहां पे स्क्रॉलिंग 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 करते रहो और चुतिया अप्पा भरते रहो अपने दिमाग में, ऐसा नहीं चलता है बेटा।
यहाँ पे बहुत कुछ वेरी करता है। एक थंबनेल डिजाइन करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, एक वीडियो बनाने में जो लोग ना वॉइस ओवर करते हैं उसको भी बहुत मेहनत लगता है। 3 मिनट का वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लग जाता है, स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है। तुम लोगों का 15 सेकंड का ये वीडियो नहीं है और जिसको तुम कंटेंट कहते हो, कंटेंट वो नहीं होता है भाई, सर पे अंडे फोड़ना। वो अगर कंटेंट बन जाता है ना तो हम लोग क्या यहाँ पे मुजरा कर रहे हैं भाई। हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो, या टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा, इस चीज को मैं एग्री करूंगा तुमसे। हाँ भाई, तुम्हारा वीडियो लेके, तुम्हारा थंबनेल दिखा के, ये जो कैडी मिनाटी है, एल्विश भाई, ये धीरू मोन्चेक और भी बहुत कुछ हो गया, ये सब मतलब व्यूज लाते हैं। बहुत गलत फहमी में जी रहे हो बेटा, अगर ये नहीं होते ना तो तुम भी नहीं होते, क्योंकि इसी रोस्टिंग के वजह से तुम फेमस हुए हो भाई। तुमको कोई नहीं पहचानता है भाई, मैं भी नहीं पहचानता था। धीरू मोन्चेक का वीडियो फर्स्ट देखा, फिर जाके तुमको पहचाना कि हाँ एक बंदा है जो टिकटॉक पे मुजरा करता है, अंडा फोड़ता है सर पे और बातों में भूल जाता है सबको, ये सब कुछ वहां से ही जाना। हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है। कंटेंट बहुत करता है भाई, कंटेंट तेरा कुछ भी नहीं है टिकटॉक पे, 99% क्रिंज वीडियो से भरा पड़ा है, और जो 1% बचा है, हाँ मैं मानता हूँ कुछ क्रिएटर है जो अच्छा कंटेंट बनाता है लेकिन उसको ना प्रमोट नहीं करता है टिकटॉक। टिकटॉक बेसिकली चलता ही है, उसका एल्गोरिदम ही वही है कि क्रिंज वीडियो को प्रमोट करो और नीचा से नीचा दिखाओ इंडिया को। इस चीज को ना अच्छे से समझो। चलो तुम्हारा कुछ कंटेंट देख लेते हैं 15 सेकंड का। चलो मेरे पास है आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज, ये है अंडा, इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे। आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, फिर ये वीडियो को डुएट करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन करना है। इसको तुम कंटेंट कहते हो भाई, अंडे फोड़ना, ऐसे लड़की बन के घूमना, मेकअप आर्टिस्ट होके ऐसे छमिया बन के घूम रहे हो भाई। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया लग रहे हो। तो वैसे भी मतलब कोठे में काम जरूर बन जाएगा तुम्हारा, चलते रहो। और भाई सुन, तेरे पे रोस्टिंग नहीं हुआ था, तू पहले ही कूद गया मैदान में, तू मतलब मसीहा बनना चाहता था टिकटॉकर्स का, मसीहा मैं आ गया तुमको बचाने के लिए। देख भाई, टिकटॉकर्स को टारगेट करके ये बनाया नहीं गया था, जो एल्विश भाई ने रोस्ट किया था वो रोस्ट के लायक ही था भाई। एक चीज समझना, यूट्यूबर्स जो होता है ना सिर्फ टिकटॉकर्स को ही रोस्ट नहीं करता है। दिनचक पूजा वो यूट्यूब पर ही था लेकिन उसको भी रोस्ट किया है, कैडी ने किया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया है। क्यों किया है? वो वैसा भाई हाथ वीडियो बनाता था तो इसीलिए उसको भी रोस्ट किया। तो समझ इस चीज को, अभी भी मेरे को रोस्ट कर दिया, मेरा ये हो गया, मेरा इज्जत लूट गया। भुवन माम को जानता है भाई? भुवन माम को भी रोस्ट किया था ये कैडमी नाटी ने, तो क्या हुआ? भुवन माम ने अप्रिशिएट किया था उसको, मतलब नेगेटिव वे में नहीं लिया था, पॉजिटिव वे में लिया था। तो तुम्हारे जैसे ऐसे नहीं है कम्युनिटी के लोग, हम लोगों का कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो। क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। बातें करते हो कम्युनिटी, फैंस, सपोर्ट, लव, देखा मैंने तुम्हारा डिसलाइक का जो रेशियो है ना, देखा मैंने यूट्यूब पे, साला 4 लाख से ऊपर डिसलाइक है, मेरे वीडियोस पे भी नहीं आता है। ठीक है, मेरे वीडियोस का भी जो रेशियो होता है ना वो ज्यादा ही होता है लाइक्स का। कम्युनिटी के बात करते हैं, सो भाई प्लीज ऐसा मत करो। हाँ तो तुम जो बनाते हो, क्रिंज वीडियो हो या तो फिर फनी वीडियो हो, जो भी होता है बनाते जाओ, हम लोगों को कोई खेद नहीं है। तुम भी यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आके हम लोगों को रोस्ट करो, शान से करो, जो भी मर्जी करो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग चुतिया नहीं है आप लोगों की तरह। सो
बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। पहली बार मैंने ऐसा वीडियो बनाया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी तो आगे आपको टेक रिलेटेड जैसे वीडियोस मिल रहा था वैसे ही आपको वीडियो मिलेगा। डोंट वरी, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आए और अगर आप भी चाहो तो मैं रोशन चैनल खोलूंगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।